वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन मस्त क्लासेज। आप सब देख रहे हैं ऑनलाइन मस्त क्लासेज चैनल। आज देखिए मैं आप सबको सेट सी बायोलॉजी का 100% करेक्ट आंसर की बता रहा हूँ। सब लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल का बेल आइकन भी क्लिक कर लेंगे। सब लोग प्लीज़ फटाफट वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। एवरीवन देखेंगे हम किस में कितना दम, सब लोग मिला लीजिए। निम्नलिखित में कौन सा व्यवस्थित कीटनाशक है? तो मेलिथियोन, वन का सी हो जाएगा। दूसरा है ग्लूकोज को एल्कोहल में बदलने वाला जाइमेज, एंजाइम क्या है? तो जाइमेज। दो का सी अपशिष्ट जल के BOD, तो इसमें ऑक्सीजन की खपत, तीन का ए होगा। चार नंबर है मेमोरी कोशिका, तो इसमें आपका लिम्फोसाइट्स, चार का बी। पाँच है निम्नलिखित कौन सी अनुवांशिक बीमारी नहीं है? तो सिस्टिक फाइब्रोसिस, ठीक है, पाँच का ए होगा। छः निम्नलिखित किस समूह में अणुगित पादप शरीर होता है? तो ब्रायोफाइट, छः का डी हो जाएगा। सात है पिस्टिलेट, तो ये आपका एकलिंगी स्त्री पुरुष के लिए, सात का बी होगा। भू जैव रासायनिक चक्र का अर्थ है? तो पारितंत्र में पोषक तत्वों का चक्रण, आठ का सी होगा। निम्नलिखित में कौन सा अकार्बनिक पदार्थ है? तो सोपोसी, ठीक है, नाइन का ए है। लाइकेन किनके क्रम का अग्रणी है? तो सेल कर्मक, ठीक है। ग्यारह निम्नलिखित कौन सा उत्पादक नहीं है? तो एगैरिक्स, ठीक है, ग्यारह का ए। अनुवांशिक अभिन्न प्रतिजोक, तो इसमें चयन योग वर्णक के रूप में, बारह का भी होगा। तेरह है, तेरह में देखिए थोड़ा धुंधला आया है, इसमें ए मार बी मार लीजिएगा तेरह का। चौदह में सर जुगमक है, तो ये इसमें फलेरोडा, इसमें डी। आवृत बीजी पौधों में, तो इसमें आप 3N लगा लीजिए। पंद्रह का भी बिल्कुल सही है। माधव युग में गुणसूत्रों की संख्या, तो 23, क्योंकि जुगमक है, जुगमक पूछे तो 23, ठीक है। सत्रह देखिए नील हरी सहवाल, तो मकई, सत्रह का भी होगा। 18 कॉपर टी किसे रोकता है? तो निषेचन को रोकता है, 18 का भी होगा। 19 है रिट्रो विषाणु, तो एड्स, इसमें आपका एड्स हो जाएगा। और बाह्य स्थानीय संरक्षण को, तो बीज बैंक, 20 का ये होगा। 21 है ग्राफियन पुटक पाया जाता है? तो मानव मादा के अंडाशय में, ठीक है, 21 का डी हो जाएगा। 22 है जलमग्न पौधों में रंध्र होते हैं, किसी भी सतह पर नहीं होते, ठीक है, 22 का सी होगा। 23 सोमा क्लोन विविधता किनके द्वारा प्राप्त की जाती है? तो ए के द्वारा, उत्तक संवर्धन। 24 है रानी मधुमक्खी अंडे से उत्पन्न होती है, तो रॉयल जेरी, 24 का सी होगा। कुकुट चेचक का कारण, तो विषाणु हो जाएगा, 25 का सी। 26 नंबर है सौ बहुगुणित कृत्रिम, तो इसमें कोलिसिसिन द्वारा, 26 का सी। 27 भोजन की विषाक्तता, तो इसमें आपका क्लोस्ट्रीडियम, ठीक है। रक्त में प्रतिरक्षि किनके द्वारा? तो लिम्फोसाइट्स, 28 का सी है। 29 है सेटेलाइट DNA एक उपयोगी साधन था फोरेंसिक विज्ञान का। 30 है विभिन्नताएँ अणुसूत्री विभाजन, तो विनिमय के कारण, 30 का ए सही है। 31 है मानस अभ्यारण्य, तो असम में है, 31 का ये बिल्कुल ही सही है। निम्नलिखित में कौन सा प्रतिबंध? तो पेक्टिनेज, अनुवांशिकता संशोधित फसलों का, इसमें पुनर्योग DNA प्रौद्योगिकी द्वारा, 33 का सी है। प्याज में प्रवर्धन होता है, तो प्रकंद से, बी हो जाएगा। 35 है हीमोक्रेलिन, इसमें मानव, 35 का सी सही है। 36 में आपका है ना पार्थेनोजिम, तो इसमें आपका ओवेन, 36 का बी सही है। 37 है पैरामीशियम, तो अनुप्रस्थ विखंडन। 38 है जब नर आकृति में मादा से भिन्न हो तो उसको जन द्विरूपता कहते हैं। और 39 गर्भ निरोधक गोली जो होता है निषेचन रुकने के लिए, 39 का सी। एक शुक्राणु, तो इसमें आपका होगा ICSI, ठीक है। और आगे एमनीसेंटिक्स, तो इसमें भ्रूण के किसी आंशिक रोग के निर्धारण में, ठीक है। आगे देखिए आपका क्वेश्चन है 42 जननांग, तो इसमें हो जाएगा आपका हर्पिस विषाणु STD, यानी कि लैंगिक संचरित रोग। ऑटोसोमल प्राथमिक नॉन, तो इसमें है ना क्लाइने फेल्डर सिंड्रम। 44 में दिवशंकर, तो इसमें 11 वाला हो जाएगा, 44 का सी। पानी में ई कोलाई के उच्च मात्रा है, तो वहित मलजल प्रदूषण का, 45 के। 46 में पोटोकेमिकल, तो SO2, 46 का सी हो जाएगा। 47 है सेनेट्रिक डिफेंडी, तो खुला जलता हुआ ढेर है। और 48 है अभिकर्मक जो इलिसा पर होता है, तो पेराक्सीडेज, 48 का बी। एक ट्यूमर उत्प्रेरक, तो इसमें हो जाएगा एग्रोबैक्टेरियम ट्यूमीफेसियंस। 50 में देखिए पौधों के शाकनारी, तो इसमें BT हो जाएगा, 50 का ए। 51 सुनहरा धान, तो इसमें बीटा कैरोटीन में। और जीन अभिव्यक्ति, तो इसमें आपका है ना D हो जाएगा, बिल्कुल सही है। और 53 में RNA, तो tRNA, 53 का D सही है। 54 केंद्रक प्रतिरोधी तकनीक की खोज, तो ग्रीफिथ ने की थी, 54 का ए हो जाएगा। DNA तथा RNA, तो न्यूक्लियोटाइड बहुलक होने के नाते, 55 का सी सही है। 56 देखिए प्रथम स्तनपायी, तो इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। इनमें कौन सा है ना
समस्यात्मक जलीय घास तो जलकुंभी हो जाएगा 57 के 58। बूंद संक्रमण क्या है तो निमोनिया है 58 का डी। 59 है इको, इसमें देखिए इसमें 59 में ना आपका डी हो जाएगा गैटक, ठीक है। 60 है ऑर्थोपोडिक्स बीजांड, तो इसमें आपका है ना पाइसस सटाइवम हो जाएगा। 61 शुक्राणु का संचलन तो पूंछ से होता है, ठीक है। इस तरह से फिगर देखे होंगे ना शुक्राणु का। 62 देखिए इसमें हाइड्रीला हो जाएगा, रंध्र तथा जोड़ों का अभाव तो ये हाइड्रीला। मृदु जलीय में आपका सुपोषण हो जाएगा 63 का डी। 64 है टी है ना, इसमें अस्थि मज्जा, ओके। 65 है विनिमय किस अवस्था की विशेषता है तो पैकिटिन, 65 का सी हो जाएगा, ठीक है। 66 नंबर है कौन सा अणुगत संरचना है तो बी और सी दोनों हो जाएगा। और 67 में कौन सा विलुप है प्रत्येक प्रजाति तो पहले में ए हो जाएगा निपेंथिस। 68 है समकार संरचना है तो इसे अपसारी विकास, ठीक है। 68 का डी। जावा कपी तो 900 सीसी 69 का ए हो जाएगा। और 70 है एलोलोपैथी किसके स्राव का कारण है तो इसमें ना देखिए थोड़ा सा डाउट है, इसको आप कमेंट में बताएंगे, ओके। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप डेट कि ये सब वीडियो में आप लोगों ने आंसर मिला लिया होगा। प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को ज़रूर लाइक करेंगे, और अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में एक बेल आइकन होता है उसे क्लिक कर लेंगे, ठीक है दोस्तों। और इसे शेयर कीजिएगा अपने ग्रुप में, आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। प्लीज़ आप लोग लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स। जय हिंद, जय भारत।